आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर है रसायन शास्त्र का 16 सितंबर को। ओके, तो हम इस केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के पेपर की तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आपको क्या क्रम से पहले आपको दो अंकी प्रश्न ये आपका पार्ट एक है। ओके, इस पार्ट एक वाली वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण दो अंकी है और महत्वपूर्ण तीन अंकी प्रश्न बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, और नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको महत्वपूर्ण चार अंकी है और महत्वपूर्ण पांच अंकी प्रश्न कवर कर दूंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण दो अंकी है महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। ओके, देख लेते हैं सीमांत अभिकारक क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। सीमांत अभिकारक क्या है, वह अभिकारक है जिसके एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है। अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि क्या है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को क्या है परिभाषित कीजिए। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित करना है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। रसायन विज्ञान में किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक में अणु कौन कौन से परमाणु है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पूरा स्क्रीनशॉट आप फास्टली ले लीजिए और पूरा अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लिखा हुआ ताप बढ़ाने पर क्या है मूलरता घट जाती है, क्योंकि क्या है विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर क्या है वह बढ़ जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई, इसका भी क्या है दोस्तों आप क्या है फास्ट आंसर आपके ले लीजिए। ये आपका दिया है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई। ओके, इसी आंसर इसका फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल संकल्पना क्या है। मोल संकल्पना क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके एक भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर लीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में कई बार। ओके, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। मोल संकल्पना क्या है, मोल संकल्पना का क्या अर्थ। ओके, इसका ये सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों इसका क्या है पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाह का सिद्धांत क्या है। ओके, तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अफवाह का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है अफवाह का नियम। ओके, फास्ट इसका आंसर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अफवाह का नियम। ओके, इस चैप्टर से आपके मैं आपको चार पांच नियम बता दूंगा, उनमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तैयार कर लीजिएगा। पहले आप देख लीजिए अफवाह का नियम। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एन प्लस वन का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन प्लस वन का नियम उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये नियम अब भी आपको तैयार करना है, एन प्लस वन का नियम, ये आपका दिया हुआ पूरा स्क्रीनशॉट, इसका भी आपका फास्ट ही ले लीजिए। एन प्लस आपका वन का नियम आपको तैयार करना उदाहरण सहित। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपका अफवाह का सिद्धांत तैयार करना है और साथ ही एन प्लस वन का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है क्वांटीकरण क्या है। ओके, पूछा जा रहा है आपसे क्वांटीकरण क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ क्वांटीकरण क्या है। ओके, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसमें ही जिसका आदान प्रदान प्रतिक्रिया में उपयोग प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसे क्या है उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्या है क्वांटीकरण कहते हैं। तैयार कर लीजिएगा, फास्ट इसका आंसर ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परिरक्षण प्रभाव क्या है। ये भी क्या है कई बार प्रीवियस ईयर पर मैं आ चुका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ परिरक्षण प्रभाव क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। परिरक्षण प्रभाव को क्या है स्क्रीनिंग प्रभाव भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ है, फास्ट दोस्तों इसकी आंसर आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इसकी आंसर आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है परिरक्षण प्रभाव। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है आपका बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। ओके, बी तथा एम जी की, इसका फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है कि क्या है इसमें क्या है बाय कोष में एस आर्बिटल पूर्ण पूरित होता है, अतः ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्थान नहीं दे सकते, इनके पी आर्बिटल में खाली स्थान तो होते हैं किंतु ये अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा के स्तर में होते हैं, अतः क्या है नाभिकीय आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकते। ओके, कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है
क्यों? ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसे भी देख तैयार कर लेना। तो अब दिया हुआ है ओके कि क्या है नाइट्रोजन, बाह्य कोष की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है एन एस टू और एन पी थ्री है ओके, इसमें पी उपकोष आदि भरे हैं, यह एक क्या है अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए क्या है इनकी आयन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयन ऊर्जा से क्या अधिक होती है। इसकी सोडा ले लीजिए ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन की संरचना को समझाइए, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट इन सॉल्व लीजिए। इसमें आपको क्या है कार्बोकेटाइन की आपको संरचना को समझाना होगा। कार्बोकेटाइन की संरचना दी हुई है, जनाब इसे कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है तथा एक पी कक्षक रिक्त होता है, ये आपका दिया हुआ है। फास्ट इन सॉल्व आप इसी संरचना का ले लीजिए ओके। अपना कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति समावयवता का क्या कारण लिखिए ओके। तो आपका ये दिया हुआ है ज्यामिति समावयवता का कारण, इसका भी दोस्तों क्या है फास्ट इन सॉल्व आप लीजिए। आपका ये दिया हुआ है ज्यामिति समावयवता ओके, इसका सॉल्व लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसे भी क्या है फास्ट सिंसोड़ आप लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है ओके। इस प्रकार से हमने क्या है दो अंकीय महादुर प्रश्न दिख लिए बिस सॉल्यूशन के साथ। अब दोस्तों हम देखेंगे तीन अंकीय महादुर प्रश्न बिस सॉल्यूशन के साथ ओके। पहला क्वेश्चन है आपका एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान क्यों होते हैं ओके। इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, आपका ये दिया हुआ है। अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान क्यों होते हैं ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका ये दिया हुआ है फास्ट दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आप मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं anuragasadiclasses.com। सबसे पहले आपको क्या है वेबसाइट मिलेगी, उसे ओपन करके आप क्या है क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के त्रिमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हैं ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों ओके। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लिए। NH3 तथा NF3 में आपको किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फास्ट ही दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अणु में सिग्मा तथा पाई आबंधों की आपको संख्या बतानी है, इसमें मतलब इसमें ये तो आसान है आपका कि इसमें सिग्मा, जब से आपका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें सिग्मा बंध कितने हैं पाई बंध कितने हैं ओके। तो ये आपका इसमें बताना है C2H2 में सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या बताना है, CH4 में भी आपको सिग्मा बंध और पाई बंध की आपको संख्या बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर आप लीजिए। आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सिग्मा बंध पाई बंध कितने हैं, तो आपको C2H2 में आपका कितना है, तो C2H2 में आपका 3 सिग्मा है और पाई बंध की संख्या 2 है ओके। और C2H2 में आपका कितना है सिग्मा बंध की संख्या आपके 5 है, पाई बंध 1 है ओके। तो फास्ट आंसर ले लीजिए ओके। तो CH4 में भी आप निकाल लीजिएगा ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है BeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृति अलग है क्यों ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। VF2 तथा O2 दोनों त्रिपरमाणिक अणु है परंतु इनकी आकृति अलग होती है क्योंकि क्या है VF2 एक देखिए संरचना होती है, इसमें क्या है sp संकरण होता है लेकिन F2 में क्या है एकांकी युग्म होने के कारण की आकृति क्या है बैंड या चतुष्फलकीय होती है। इस प्रकार से दिया हुआ है फास्ट ही दोस्तों सीन सोड़ लीजिए, डायग्राम भी आपको बना देना समझाने के लिए ओके, कि अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है पेड़ प्रभाव और क्या है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए, इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट आंसर ले लीजिए। आपको इसमें क्या है 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार करना है क्योंकि 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर में 4 पॉइंट लिख दिया लिखना है आपको। तो पेड़ प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है फास्ट ही दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। ये आपका दिया है पेड़ प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपका एक और पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए ओके। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है ओके। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकी और महत्वपूर्ण 3 अंकी प्रश्न बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। आगे की वीडियो में मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 4 अंकी और 5 अंकी प्रश्न बता दूंगा ओके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ओके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। डाउट नहीं है तो अपना प्यारा सा कमेंट भी आप क्या जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ओके। और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।